नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम ये वाले बात करेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं। जैसे सबसे पहला डाउट है कि बीपीएससी में करंट अफेयर कितने टाइम का पढ़ें। ठीक है, जो प्रीलिम्स में पेपर आता है उसमें मेरे हिसाब से लास्ट एक साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए आपको, और उसमें भी इस तरह से पढ़ना चाहिए कि जो लेटेस्ट 6 मंथ का है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, और उसके पहले वाला जो है आपका 6 मंथ का उसको भी एक बार पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस लेटेस्ट 6 मंथ पे करना चाहिए। ठीक है, तो एक साल सवा साल का बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हो जाएगा, इतना काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, तो अभी अब देखिए 65th जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम है वो शायद अक्टूबर या नवंबर में होगा, तो ये आप मान लीजिए कि आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है अक्टूबर 2018 से लेकर अभी तक का पढ़ना है। ठीक है, और आप टेंशन मत लीजिएगा, करंट अफेयर पढ़ने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्पेशल वीडियो आएगा टोटल करंट अफेयर का भी और बिहार करंट अफेयर का भी, बस आप उतना पढ़ लीजिएगा, आप आराम से जो है बिहार पीपीएससी के सारे करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। और हम मंथली जो वीडियो देते हैं उनको देख लीजिएगा, हमने मंथली चालू कर दिया है, वैसे भी पिछली बार दिसंबर 2018 से है हमारे पास मंथली, लेकिन उससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे, तो अक्टूबर और नवंबर वाले वीडियो भी मिले हुए हैं, वो मैं आपको एक पापा वीडियो दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस बिहार का करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, बिहार का करंट अफेयर लगभग 1.5 साल का आपको पढ़ता होना चाहिए, बिहार की जो योजनाएं हैं, बिहार की स्कीम्स हैं, बिहार के बजट के बारे में, प्लस बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़िएगा एक बार। इकोनॉमिक सर्वे के मैंने पिछली बार 2 वीडियो बनाए थे, उन 2 वीडियो से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, प्लस मेरा एक करंट अफेयर वाला वीडियो थे उससे करीबन 12 क्वेश्चन आए थे, मतलब 3 जो एक बिहार करंट अफेयर का वीडियो था उसमें 8 क्वेश्चन आए थे, तो 3 वीडियो से टोटल मिला के 16 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बिहार का करंट अफेयर बहुत सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी होती हैं, वो हम इसीलिए पूरा रिसर्च करके एक वीडियो देते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग बीपीएससी के करंट अफेयर में क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, 2 टाइप के करंट अफेयर होते हैं, टोटल और बिहार का, तो हम टोटल वाला तो आपको देंगे ही देंगे। एग्ज़ाम से करीबन जो है 25 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा बस। ठीक है, वो हो जाएगा टोटल करंट अफेयर। बिहार के करंट अफेयर के लिए हम आपको बिहार का बजट देंगे, बिहार के करंट अफेयर देंगे, प्लस कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ज़रूर दे दें, या फिर उसमें बता दें, आपको गाइड कर दें कि क्या क्या चीज़ें आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा डाउट कि ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, एक ऑप्शनल आपको यहाँ पर लेना है, और वो भी समस्या ये है सबसे बड़ी कि आपको ये ऑप्शनल जो है प्रीलिम्स के स्टेज में ही फिल करके बताना है, तो अगर आपका प्रीलिम्स में हो गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बड़ी समस्या है। अब देखिए ऑप्शनल की लिस्ट पहले देखते हैं कि कितने ऑप्शनल हैं हमारे पास। एग्रीकल्चर हो गया, ये एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और हिस्ट्री, और ये सब हैं जितने भी, LSW वाला है, लॉ है, ये सब सारे ऑप्शनल हैं। देखिए ऑप्शनल लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि उस ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि उसका रिसोर्सेज आपके पास पूरे अवेलेबल हैं कि नहीं है, पूरा मटेरियल है मतलब आपके पास कि नहीं है, और जिस भाषा में आपको चाहिए वो उसमें है कि नहीं, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तीसरी बात कि वो कितना जो है उसकी लेंथ है, उसका सिलेबस कितना है, वो ज़्यादा बड़ा है या फिर जो है ज़्यादा छोटा। चौथी बात कि क्या वो GS में भी आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये भी एक फैक्टर होता है ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। और प्लस आप कितने जो है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप अगर आप क्या पता आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट और ज्योग्राफी के ऑप्शनल लिए हो, तो ये वाले 4-5 जो फैक्टर्स हैं, अगर आप इन सबको एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ऑप्शनल अपना लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए इसमें कुछ टाइप के ऑप्शनल होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पबेड हो गया, इन सबको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके GS वाले पेपर में भी आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, क्योंकि GS के भी 2 पेपर होते हैं ना, तो वहाँ भी आपकी GS थोड़ा सा मजबूत होगी। और इसमें जो है आपका ये वाले ऑप्शनल बाकी जैसे UPSC और UPPCS में भी होते हैं, तो वहाँ भी कॉमन रहते हैं आपके, अगर आप और भी एग्ज़ाम देते हैं तो। BPSC के लिए जो है सबसे सक्सेसफुल ऑप्शनल पबेड है, और पबेड हो गए मतलब जो टॉप ऑप्शनल है वो हैं पबेड हो गया एक तो, और उसके बाद हिस्ट्री भी है, काफ़ी हिस्ट्री में जहाँ पे सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है,
बीपीएससी में जो लोग सक्सेस होते हैं, और जैसे यूपी पीसीएस में एक ऑप्शनल है ना सोशल वर्क, कि वो बहुत छोटा सा है, एक एक महीने में कंप्लीट किया जा सकता है पूरा सोशल वर्क, ठीक है, अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भी। वैसे यहाँ पे एक है एलएसडब्ल्यू भी एक महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, बिल्कुल सोशल वर्क की तरह है, लेबर एंड सोशल वाला है इसमें। तो आप ये वाला ऑप्शनल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी हो, क्योंकि बीपीएससी 65 का जो मेंस है वो 2020 जनवरी में शेड्यूल्ड है, आप देखेंगे कैलेंडर, ठीक है। 64th बीपीएससी का मेंस कोर्स हमने इंग्लिश मीडियम में पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, तो जिसको 65th मेंस जीएस की टोटल तैयारी करनी हो वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। पीटी के बाद बैच चालू करेंगे या फिर आप बताइएगा जब तब बैच चालू कर देंगे। पूरा मटेरियल हमारे पास रेडी है इंग्लिश मीडियम में, टेस्ट सीरीज रेडी है, मॉक टेस्ट रेडी है, करंट अफेयर अपडेट करके जो है उसको फिर से करना है, ठीक है। तो ये है चीज़ें इसमें। तो दूसरा मैंने बताया आपको कि आप इनमें से ये जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं इन सब को खुद रिसर्च करिए, आप जो है मेरी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए, सारे फैक्टर्स को खुद रिसर्च करिए, आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है, रिसोर्सेज कितने कितने हैं, क्या सक्सेस रेशियो का है, किसका क्या है, ठीक है, प्लस कितनी उसके जो है सिलेबस है, और जितने भी ये फैक्टर हैं कि क्या उससे जीएस में कोई चीज़ कॉमन है, और भी जो है ये मतलब एवरग्रीन ऑप्शनल है, तो ये सारी चीज़ें को आप जो है एनालिसिस करके आप अपना ऑप्शनल भरिएगा, ठीक है। तो दो जो बहुत बड़े क्वेश्चन थे वो ये हमने आपको सॉल्व कर दिए, और अगर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो बताइएगा। करंट अफेयर आपको जो है कहीं और से निपटना है, मैंने बता दिया, जो भी करंट अफेयर है वो सब स्टडी फॉर सिविल सर्विस देगा, किसी और का जो है करंट अफेयर, मेन बात वही है ना कि जब हमारा काम ही हम इसी डायरेक्शन में करते हैं, हम सिर्फ पीसीएस के लिए जो है काम करते हैं, यूपी पीसीएस में हमसे बेटर मटेरियल कोई नहीं दे सकता है, और बीपीएससी में भी अब हमसे बेटर मटेरियल कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। ये दो एग्ज़ाम्स को अभी हमने किया है, अभी एमपी पीसीएस में भी हम कर रहे हैं पूरी तरह से, और जो है धीरे से और भी स्टेट पीसीएस कवर करेंगे, जैसे नेक्स्ट टारगेट है हमारा उड़ीसा पीसीएस, तो उड़ीसा पीसीएस के लिए भी यहाँ पे कर रहे हैं। राजस्थान पीसीएस में मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, लेकिन वहाँ के लोग इतना नहीं देखते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, तो अगर आरएएस के लिए भी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसके लिए भी हम पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस और सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक, जैसे हमने यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए कर रहे हैं वैसे आरएएस के लिए भी करना चालू करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि 65th बीपीएससी का हमने पेड क्रैश कोर्स चालू किया था, और इसको लेने से पहले आप ये जरूर देखिए कि 64th में हमारे कितने सिलेक्ट हुए थे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा बिहार बीपीएससी का ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री ग्रुप है, बिल्कुल फ्री चैनल है ये टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन करके आपको बीपीएससी के काफ़ी सारे अपडेट जो फ्री वाले वीडियोज हैं कौन कौन से देखने हैं वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें 64th बीपीएससी पीटी रिजल्ट डाला हमने, ठीक है, सर्च किया यूट्यूब में, ये है हमारा वीडियो। अब आप इसके पास कमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके कमेंट अगर आप पढ़ेंगे इसमें, देखिए इसके कमेंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और ये सब चीज़ें जो है लैंडस्केप मोड में नहीं आ रही हैं लेकिन पोर्ट्रेट में आ रही हैं, पूरा कमेंट आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। ये आप देखिए, ये श्रेया मिश्रा, इन्होंने 15 दिन में तैयारी करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें जो है लास्ट मोमेंट पे हमने जो बताई थी उसमें से हुआ, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ कमेंट हैं, ये पेड ग्रुप में ये हमारे थे, ठीक है, इसमें पूरा इनको हुआ है और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव हर तरह के कमेंट हैं, ऐसे कमेंट भी हैं जो थोड़ा सा ट्रोल करने वाले हैं, ठीक है, तो ये वाले भी देख सकते हैं, सब मज़े लीजिए पूरे, ठीक है ये, लेकिन जो सीरियस कमेंट है वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए आप सारे कमेंट देखिए इसमें, सारे कमेंट में, तो मैं कोई कमेंट इसमें डिलीट नहीं कर रहा हूँ, जो भी ना मैं करता हूँ कभी, इसमें जो है सारे कमेंट आप देख लीजिए सीरियस वाले, ठीक। और इसमें देखिए मतलब काफ़ी हमने काम किया था इसमें 64th के लिए। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि कितने हमारे उससे हुए थे, तो पिछली बार 64th बीपीएससी के हमारे पेड ग्रुप से जो है टोटल करीबन 36 लोग थे, और उसमें से 11 लोग हुए थे जिन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था, और टेस्ट सीरीज़ ली थी करीबन 200 लोगों ने, उसमें से करीबन थे ये उसमें रेट थोड़ा ज़्यादा था, 84 समथिंग थे, तो ये रेट था, लोगों ने कम लोगों ने लिया था। अभी इस बार हमारे मेंस में 58 लोग हैं जो लोगों ने हमको हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं। अब उसमें देखते हैं 64th बीपीएससी का कितना रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है, मैं बता दूंगा सब कुछ, ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ मैं, ठीक है।
सारे कमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लगातार आप देख सकते हैं इसमें जो लोग हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं उसमें यहाँ पे जो है आपको दिखेगा काफ़ी कुछ। ठीक है, करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने लास्ट में बताया था कि करंट अफेयर के वीडियो और मेरे जो इकोनॉमिक सर्वे के दो वीडियो थे उन्हीं में से जो है 20-25 क्वेश्चन क्योंकि आ गए थे, टोटल जो बिहार की जीके उसी से आ गई थी एक्चुअली, तो उसमें उनका जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल मिला क्योंकि उन्होंने वही देखा था सिर्फ। ठीक है, ये सारे कमेंट आप इसको वीडियो को देखिए, वीडियो में मैं जो है लिंक दे दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। और 65th के बारे में बता दूँ आपको, 65th जो है क्रैश कोर्स 4000 उसकी टोटल फीस है, 10 जुलाई को इसका टाइमलाइन मिलेगा। ये ग्रुप जो रहेगा आपका जब तक BPSC 65th जो है आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है या फिर दिसंबर 2019 का एंड नहीं आ जाता है, उनमें से जो पहले आएगा तब तक रहेगा। पेमेंट ऑप्शन सारे हैं हमारे पास, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, बैंकिंग, बैंक, नेट बैंक, ठीक है, और प्लस आपका जो है UPI भीम, सारे ऑप्शन हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको 65th BPSC में जो है देख सकते हैं आप ये 65th BPSC में जो है आपको अगर एडमिशन लेना है क्रैश कोर्स में तो आप इस नंबर पे या तो कॉल कर सकते हैं 8564880530, और या फिर मेरा नंबर है 7838692618, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।